इनको इस वक्त यहां पर बताते चलें कि मोटरवे पुलिस ने ख्वाजा साद रफीक को ओवर स्पीडिंग पर चालान कर दिया। रावी टूल प्लाजा के करीब ख्वाजा साद रफीक को ओवर स्पीडिंग पर चालान किया गया है। ख्वाजा साद रफीक 136 किलोमीटर की रफ्तार से लाहौर आ रहे थे। कानून की बरतरफी की गई है ख्वाजा साद रफीक की जानिब से, और इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, ऐसी कौन सी जल्दी थी, कहां जाने की जल्दी थी ख्वाजा साद रफीक को कि कानून ही तोड़ डाला? बिल्कुल, आज पंजाब असेंबली में होने वाले इजलास के बाइस जो है वो ख्वाजा साद रफीक जो था वो लाहौर तशरीफ ला रहे थे, तो मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग के बाइस उनकी स्पीड थी गाड़ी की, वो स्पीड लिमिट से एक्सीड कर गई, जिसके बाइस उनकी जो स्पीड थी वो 136 जो थी वो मोटरवे पुलिस ने नोट की और उनका जो चलान था वो रावी टूल प्लाजा पर किया गया। 750 रुपए का ख्वाजा साद रफीक का जो था वो चलान किया गया। ख्वाजा साद रफीक अपनी गाड़ी प्राडो पर जो था वो लाहौर आ रहे थे और रावी टूल प्लाजा के करीब उनका जो था ये चलान किया गया, और उनकी व्हाइट जीप जो थी वो फुटेज में देखी जा सकती है कि जिसमें वो 136 की रफ्तार से आ रहे थे और रावी टूल प्लाजा पर उनकी जानिब से जो था वो चलान जमा करवाया गया और मोटरवे पुलिस ने एक्शन लेते हुए उनके जो कागजात थे वो जब्त किए, जबकि ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये कहा गया कि उनको इजलास में पहुंचने की जल्दी है और तकीर के बाइस उन्होंने ओवर स्पीडिंग की और उसके बाद उन्होंने 750 रुपए चालान जमा करवा दिया। और को नजर आए ना आए लेकिन नून लीग को जरूर आ रहे हैं। एक तरफ तो हमजा शहबाज आ गए, दूसरी तरफ देखा जाए तो ख्वाजा साहब का भी चालान हो गया है।